Radhe, Sri Radhe. Sri Bhagavat Bhagavan ki hai aarti, paapiyon ko paapti hai. Thank you.
बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाई बोल भी रहे हैं, सब में से जोर जोर कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और एक बार इतना जोर से बोलो जैसे इच्छा टूट जाए, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आप इस बार आप बोलो जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अभी लग रहा है कथा सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट कृष्ण पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट कृष्ण पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हम लोगों को ठाकुर ने सात सात दिन तक ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। ये संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा हो जिसका बल पर वो काम हम कर सकते, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो, अगर हमें कोई मदद कर रहे हैं तब वो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारा पास में मन का बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन इस सबसे जो बड़ा बल है वो आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम आत्मा बल से कर सकते, लेकिन आज जो मोहन नगर में ये भागवत कथा होने जा रही है न तो कोई पैसा के बल पर रख सकता है, न तो कोई जन का बल पर रख सकता है, न तो कोई मन का बल पर रख सकता है, न तो कोई आत्मा बल में ये कथा नहीं रख सकता है। बोले कब तक ये कथा सुन सकते हो? बोले जब तक ठाकुर जी की संतों की कृपा बल नहीं हो कभी ये कथा कोई रख भी नहीं सकते और कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुत गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को कहते हैं, भले हे सुत गोस्वामी भले एक जन्म नहीं भले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते वो एक जन्म नहीं बोले करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी यही बात माता पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज आसानी से मिल जाती है लेकिन एक चीज पार्वती बड़े किस्मत वालों को मिलती है। मैया पार्वती प्रश्न करती है बोले प्रभु जगत में क्या चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है? ये बात कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शंकर किसको कह रहे हैं? माता पार्वती को। इसलिए वो एरे गरे व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम श्री शंकर जी कह रहे हैं। बोले श्रोता कौन है? साधारण नहीं, वो जगदम्बा जग जन माता स्वयं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, अरे पार्वती बोले अति हरि कृपा जा परमो
Yeah.
कहते पार्वती जगत में संत संग गति दुर्लभ संसारा, संसार में जो सत संग है, संसार में जो भगवान की कथा है पार्वती, ये बड़ा दुर्लभ है। ये बड़े भाग्यवान को ये कथा सुनने को मिलती है। इतने में भैया पार्वती कहती है, प्रभु जी आप कह रहे हो सत संगति दुर्लभ संसार, बोलिए दुर्लभ कहाँ है? देखो ये अशोक वाटिका में कथा हो रही है, हमारे भक्त लोगों ने घर घर में गए, हरे कृष्ण कोई बात मत करो, देखो इधर मेरे तरफ ना देखो, हमारे गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना है ना, आप जिसको जानते हो उसको पास मत बैठा, आप जिसको जानते हो ना कभी भी उसको पास मत बैठा, उससे थोड़ी सी हट कर करेंगे फिर तक कथा सुनोगे, नहीं तो बेटी बहू की हाँ बात करते रहोगे, घर छोड़ छाड़ कर यहाँ कथा सुनने के लिए आए पर यहाँ बैठ कर के दुनिया की बात, ठीक है ना? इसलिए आप जिसको जानते हो थोड़ी से हट जाओ, हट करो थोड़ा अलग रहो, ठीक है ना? जो जानने के लिए, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती सत संगति दुर्लभ संसारा, इसी संसार की ये जो भागवत कथा ये बड़ा दुर्लभ। मैया पार्वती कहती है प्रभु ये दुर्लभ कहाँ है? देखो यहाँ पर कथा हो रही है, हमारे भक्त लोगों ने सब घर घर में गए, सबको निमंत्रण दिया, बोले भैया कथा हो रही है, कथा हो रही है, आओ कथा में आओ, कथा में आओ, बोले ये दुर्लभ कहाँ है, कहती ये तो सुलभ है, ये तो कथा सुलभ हो गया। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती बोले आ बताए सारा आती जय जय गोपाल जय जय राधा।
कहते पार्वती आगत यही सरस्वती कहीं आई। कथा में बुलाओ तो बड़ा कठिन आना है। देखो अगर किसको पता चले यहाँ पर ऐश्वर्य राय आ रही है, यहाँ साधु खान आ रहा है। अगर ये साईं वाटिका में साधु खान आ जाए नहीं तो हेमा मालिनी आ जाए। आप देखो यहाँ प्यार रखने के लिए जगह नहीं जाता है, टिकट अगर सौ सौ हजार हजार रुपया हो टिकट होना तभी टिकट टिकट खत्म हो जाए। इतने लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे लेकिन किसको बोलो भैया कथा होगी, भागवत कथा होगी, कथा सुनने के लिए आओ। हजार बहाना बनाएंगे, अरे ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया था, ये काम पड़ गया था, इसलिए हम नहीं आ पाए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को ये कथा सुनने को मिलती है, साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते। जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिणी हम लोग कथा नहीं सुन रहे क्या कर रहे हैं, बोले ये ध्यान देख रहे सुनो कभी ये कल्प वृक्षों को नीचे बैठे, ये भागवत कथा नहीं, ये क्या है क्या है ये, इसका ये कल्प वृक्ष है। बोले ये कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, बोले जो कुछ हम मांगोगे अगर साथ साथ भी अपने सही सही कथा सुनो। मैंने बहुत सारी जगह में देखा है कि जिसका निर्धन है उसका धन प्राप्त हुआ, जिसकी संतान नहीं, अभी हम कहीं कथा कर रहे थे ग्रेटर नोएडा में 15 साल तक उनकी संतान नहीं थी लेकिन उन्होंने भागवत गुरुवर में केवल फल ला करके रखे और भागवत से संतान तो 15 साल के बाद उनको संतान मिल जाती। जो रोगी है कहते जो रोगी है वो निरोगिता को प्राप्त करता है, जो दुखी है कहते उनको जीवन में घर में शांति सुख मिलता है लेकिन मिलेगा क्या। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पर अगर तुम ये कथा को सही सही सुनोगे तो कथा सुनना पड़ेगा तुमको नियम से। आप देख लेना 7 दिन केवल यहाँ बैठ गए, 7 दिन केवल बैठ गया यहाँ पर आ गए एकदम नियम से। नियम मतलब ऐसे नहीं जब कथा को बीच में खत्म होने जाए तब तुम घाम करके आ रहे हो कथा है, नहीं तो बीच में आ रहे हो नहीं, कथा में सबसे पहले कथा में आओ, सबसे पहले कथा में आओ। आ करके क्या करो पहले जो कथा स्थल है पहले उसको प्रणाम करो, कथा में जितने श्रोता हैं सबसे प्रणाम करो और गदगद होकर के कथा सुनो, हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से कथा सुनो, भक्ति भाव से ये कथा को भक्ति भाव से सुना। देखना 7 दिन के बाद में आप जो कुछ भागवत से मांगोगे ये भागवत तुम्हारी सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देंगे, इतने ये भागवत कथा की महिमा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत नहीं इसको बताया कि कल्प करो, यदि कल्प वृक्षों को नीचे बैठे यहाँ पर कल्प वृक्षों को नीचे बैठे ठीक है ना। इसलिए कथा एक मन से कथा सुनो, कथा कैसे सुननी चाहिए हमारे गुरु जी कहते थे कथा सुननी चाहिए हनुमान जैसे, कैसे सुननी चाहिए कैसे सुननी चाहिए। हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो, सब जानते हो हनुमान जी कितने बड़े हैं, भगवान राम के भक्त है ना, जिनको घर घर में पूजा करते हो। कहीं अगर राम की कथा हो देखना वहाँ पर सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर लगाया जाता है, क्योंकि जितने जहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये कथा हो हनुमान जी उतना रूप को धारण कर रहे हैं। देखो यह बच्चे लोग खेल रहे हैं ना हरे कृष्णा, ये बच्चों को खेलने मत दिया क्या, ये बच्चों को बोलो अभी चले जाओ प्रसाद का समय आ जाएगा, ए बच्चे कोई खेलना नहीं चुपचाप वहां बैठ जाओ नहीं तो चले जाओ जो प्रसाद का समय होगा तुम्हें आ जाएगा। अरे देखो एक सुंदर कथा सुनो,
कथा कैसे सुननी चाहिए हनुमान जी, इतने बड़े ज्ञानी कोई नहीं हनुमान जैसे, इसलिए बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। यदि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी श्री हनुमान जी। देखो एक स्टोरी सुनो, हनुमान जी से कथा कैसे सुननी चाहिए। आप लोग ने तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे, सुने ये तुलसीदास प्रभु राम का भक्त है। ये क्या करता था, जब ये शौच क्रिया में जाता था एक लोटे में पानी ले जाता, जब शौच क्रिया के बाद में वो एक नीम का वृक्ष था, वो नीम का वृक्ष को जड़ में वो बच्चा हुआ पानी को डालता था, लेकिन उसी वृक्ष में प्रेत भूत रहता था। जो प्रेत है वो कोई पवित्र पानी को नहीं पी सकता है, वो अपवित्र पानी को पीता है। इसलिए नियम है जो कपड़े हैं जो सुखाते हो उसका निचोड़ करके सुखानी चाहिए। अगर कपड़े से अगर पानी टपकता है उसको भी प्रेत बात करता है। इसलिए कभी भी कपड़े को गीला नहीं सुखानी, नहीं सुखानी चाहिए। अभी उसी वृक्ष में रहता प्रेत, एक दिन वो प्रेत स्वयं प्रकट हो गया। बोले गोस्वामी तुलसीदास, तेरे पानी को पी पी करके भी शरीर धारण करता हूँ, इसी वृक्ष में मैं रहता हूँ और पवित्र पानी को मैं पी नहीं सकता, और शौच क्रिया को बाद में जो बच जाती है वो पानी को पिलाते हो, इसलिए वो अपवित्र पानी है, इसलिए तेरे बोले में मैं आज प्रसन्न हूँ। बोले मेरे से कुछ बर्बाद है। लेकिन तुलसीदास तो बड़े चतुर है, राम का भक्त है ना, वो बड़े चतुर है। बोले जो मांगूंगा उसको दे दोगे? बोले हाँ बताओ क्या चाहिए। बोले हमें राम लक्ष्मण का दर्शन करवा सकते हो? बोले अगर भैया तेरे को मैं राम लक्ष्मण को अगर दर्शन करा सकता था, फिर मैं ये प्रेत जोड़ी में मैं क्यों पड़ा हुआ, पहले तो मेरी मुक्ति मिल जाती, लेकिन मैं तेरे को एक उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले देखो तुम अमुक जगह पर जाना, रोज वहां पर प्रभु राम की रोज कथा होगी। आप देखना वो कथा से पहले सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, एकदम शरीर एकदम दुबला पतला, एकदम खट्टे फूटे कपड़ा पहन करके कथा से पहले आएगा और सबसे पीछे बैठेगा। कैसे बैठेगा? जितने लोग बैठे हुए होंगे सबको पहले प्रणाम करेगा, उस स्थान को प्रणाम करेगा और हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए वो कथा सुनेगा। जब कथा समाप्त हो जाएगी, जब सबके सब चले जाएंगे, फिर सबको प्रणाम करते हुए वहाँ का चरण धूलि शरीर में लगा करके हैं, फिर सबको प्रणाम करके वो जाएगा। वो श्री हनुमान वो श्री हनुमान जी है। अगर उनका चरण तुम पकड़ लो ना, तेरे को राम लक्ष्मण तेरे को मिल जाएगा। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले वहां पर गए और देखा सचमुच से एकदम जैसे कि प्रेत ने बताया था ठीक एक व्यक्ति कथा से पहले आया, सबसे पहले उसमें कोई नहीं आया और वहां पर बैठ करके स्थान को प्रणाम किया, कथा सुनने वाले बोलने वाले सबको प्रणाम करके हाथ जोड़ कर बैठ गए और आंखों से आंसुओं को बहाते हुए उन्होंने गदगद होकर के कथा सुनी। जब कथा का विश्राम हो गया, जब जा रहे थे ना, इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी चरण को पकड़ लिए। लेकिन प्रेत ने कहा देखो तेरे को ठगने का इच्छा करेगा, लेकिन छोड़ना नहीं हनुमान जी। इतने में हनुमान जी बोले भैया मैं तो शूद्र हूं, तू मेरे को पकड़ लिया तो अपवित्र हो गया, छोड़ मेरे को छोड़। लेकिन गोस्वामी बोले मेरे को पता आप स्वयं हनुमान, आप स्वयं राम के सबसे प्यारे श्री हनुमान जी हो। तब बोले तुमको क्या चाहिए? पर मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन करा। तब श्री हनुमान जी कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की थी और तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे रघु, जाओ चित्रकूट घाट में ही तेरे को दर्शन मिलेगा। सचमुच से उनको चित्रकूट घाट में गोस्वामी तुलसीदास चंदन घिस करके सब चंदन लगा रहे थे, राम लक्ष्मण भी वहां पर आए और उनको भी उन्होंने तिलक लगाया है।
तिलक लगा करके खड़े प्रभु का दर्शन हमको मिला, ठीक है ना। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान कैसे सुननी, कथा से पहले आओ। आप देखो जब सिनेमा देखने जाते हो बीच में जाते हैं ना लास्ट में जाते हो, बताओ कब जाते हो सिनेमा देखने? सो सुर होने से पहले, आधा घंटा पहले जाएंगे, हैं लाइन लगेगी। अगर जितना गंदी पिक्चर होगा ना उतना चलेगा, टिकट उतना कीमत होगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे और बैठ ही बैठ करके तीन तीन घंटा तय करके ना पूरा दरर का रास्ता खाली करके घर में आ जाए। गंदी गंदी चीज को देख ले करके मान बुद्धि को खराब करके घर में आ जाएंगे पैसा दे करके। लेकिन कथा में देखो हमारे जो कथा जगह का नाम प्रभु का नाम क्या है, जगह का नाम ओम साईं वाटिका, हमारे वीर सिंह प्रभु जी देखो इनमें साई वाटिका और इनका पुत्र लोग बोले यहाँ पर कथा करो, इनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बोले भगवान की कथा करोगे, जाओ हम ये कथा करने के लिए स्थान को कथा करने के लिए देते हैं, फ्री में जाओ कथा करो। फिर इतना नहीं कथा के बाद में फिर यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, फिर बढ़िया स्टेज बनाए तो ध्यान लगा दिया, लाइट इन्होंने सब कुछ व्यवस्था की है, सब कुछ इन्होंने व्यवस्था की है, लेकिन तब भी लोगों को बुलाने पर भी लोग नहीं आते, ठीक है ना। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति कथा में अगर जिसको आप लेकर कथा में आओगे ना, गुरुदेव कहते थे एक एक व्यक्ति दस दस भक्तों को साथ में लेकर करना कथा है। आप जिसको कथा में लेकर के आओगे जो पुण्य उसको मिलेगा, आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा आप जिसको साथ में लेकर के आओगे। ये हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं जिसको लेकर के जितने लोगों को लेकर के आओगे उतना जिसको जितना पुण्य उसको मिलेगा आधा पुण्य तुमको मिलेगा। क्योंकि अगर किसको गंदे रास्ता पर ले जाओ उसका पाप भोगना पड़ेगा, अगर जिसको प्रभु की भक्ति मिले उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए क्या करना है, कल क्या करोगे, एक एक माता है दस दस माताओं को लेकर के आते। देखो माताओं का सबसे ज्यादा जो टेंशन है ना, घर में जाकर के खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि भूखे ना बन जाए वही गोपाल। लेकिन यहाँ पर तो वो भी चिंता नहीं, आओ कथा सुनो, कथा के बाद प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था। अगर सात दिन तक सही सही आप कथा सुन दो, आप जो कुछ ये भागवत से मांगोगे ये भागवत तुम्हारी सारी इच्छाओं को ये भागवत पूरी कर देगी, सारी इच्छाओं को। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जोर से जय कर लगाता हूँ। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय जय श्री राम। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकीत ये जो भागवत कथा है, बोले स्वर्ग के सत्य कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, यदि आज जो सौभाग्य हम लोग को मिला है सुखदेव गोस्वामी माइक वाला कहा है कि भाग्य के, इसलिए जो सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हुआ है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी कि इसका जो आवाज है ना फटता है और आवाज क्लियर है, उसे इको ने थोड़ी सी कम कर दो, जैसे आप उसका आवाज है ना थोड़ी सी इको थोड़ी बोले अरे। इसलिए जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुई है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी देवता को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हम लोग आगे श्रवण करेंगे जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परिकीत महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवता को हम घर घर में पूजा करते हैं, जितने 33 करोड़ देवताओं को उस स्वर्ग से सबके सब उतर करके आए, अकेले नहीं आए अपना देवियों को लेकर के आए, और देवियों को लेकर के आए उन्होंने अपना देवियों को लेकर के आए, और खाली हाथ से नहीं स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो,
हैं, ये अमृत कलश परीक्षित महाराज को मिला दो, ये अमरत्व की प्राप्त करेगी। लेकिन ये जो भागवत कथा हमें सुना था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भगा दिया वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, बोले वो काच को मणिर महान भगवान की कथा नहीं, भागवत कथा नहीं, ये साक्षात कृष्ण स्वयं। भगवान जब ये संसार छोड़ करके गए, उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? भगवान बोले कोई चिंता मत करो, एक स्वरूप में तो जा रहा हूं लेकिन दूसरे स्वरूप में कलयुग में रह रहा। तब उद्धव जी पूछे, प्रभु आप कलयुग में किस रूप में रहोगे? ये कृष्ण स्वयं बांके बिहारी ये स्वयं कह रहे हैं, बोले हे उद्धव, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, मैं स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात मेरे साथ का दर्शन हो रहा है, मेरा दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है। इसलिए भागवत में द्वादश खंड है, 12 खंड है, इसका प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर का दो चरण बांके बिहारी का, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की तो गुरु है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की तो भुजा है, अष्टम स्कंध भगवान की वक्ष स्थल, नवम स्कंध ये भगवान की कंठ, और दसम स्कंध ये भगवान की मुखारविंद, एकादश स्कंध भगवान की ललाट, और द्वादश स्कंध भगवान का सर। इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये कृष्ण स्वयं, ये कलयुग का जीव के कल्याण करने के लिए उन्होंने साक्षात रूप में गोलोक वृंदावन से भगवान स्वयं बांके बिहारी जी भागवत रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको भी ये भागवत कथा उनकी नसीब में भी नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये स्वर्ग की देवताओं का बात छोड़ दो, कहते ये भागवत कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, अगर कहीं भागवत कथा होना, आप लोग कहाँ से कथा सुनने के लिए आए? कोई 1 किलोमीटर होगा, कोई 2 किलोमीटर होगा, कोई 10 किलोमीटर होगा, कोई 20 किलोमीटर होगा, इतने इतने दूर से कथा सुनने के लिए आए। लेकिन जब भागवत कथा होती है ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर से ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना अकेले कोई मत लाओ, अगर देवियां आए ना देवता को लेकर क्या,
और अगर देवता लोग आए अपना देवियों को लेकर के आओ, बोले ऐसे क्यों? बोले ये हम दोनों ही कथा क्यों सुनने के लिए आए? ध्यान देकर सुना, हम दोनों की कथा को सुनने के लिए आए, इसमें एक रहस्य है। अब देखना, अभी आप शादी की कथा सुनोगे ना, आप कथा सुनने का बाद आपका जो मन चित्त संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है। भगवान सहज में ये मानव शरीर नहीं देते हैं, ये जीवन 84 लाख जन्म के बाद मिलता है। यदि ये मानव शरीर नहीं, यदि ये कोहिनूर हीरे ठाकुर ने दिया है, जिसको रामचंद्र कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ नगावा। यदि ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी, ये मानव शरीर दुर्लभ, उनको भी ये कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर भारत में, और हिंदुओं को घर में उनको भी मिलना बड़ा कठिन है। जब ये बात पता चलेगा, भाई जीवन ठाकुर ने क्यों दिया? भक्ति के लिए दिया, फिर क्या होगा? जितने माताएं कथा सुनने के लिए आए ना, फिर क्या होगा? अब साथ दिन है ना, गले में कट्टी तिलक माला को पहनना शुरू कर। फिर अगर पति लोग नहीं आए ना, पर पति क्या बोलेगा? बोले भैया, किसकी संतों के चक्कर में, बाबा जी के चक्कर में तू पड़ गई? पहले भोजपुरी सिनेमा ले चलो घूमने, अभी तो समय होते, चलो वृंदावन ले चलो, अभी वृंदावन ले चलो, कथा में ले चलो, अभी तो सिनेमा की बात नहीं करते। अगर केवल अगर पति आए कथा सुनने के लिए, अगर पत्नी नहीं आए, फिर पति को भी पता चलेगा ये जीवन क्यों मिला, ये जीवन प्रभु ने क्यों दिया है, उसको भी ये चीज पता चलेगा। वो भी क्या करेगा? ये समय को नष्ट नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा फालतू चीज में समय को कभी नष्ट नहीं करेगा। क्यों? कहते ये जो एक एक जो श्वास जा रही है, करोड़ों करोड़ों रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं लाता। जैसे मान लो टाटा बिरला या रिलायंस कंपनी है, अंबानी इनका नाम सुने होंगे, बड़े बड़े पैसा वाले डॉक्टर, अगर बोल दिया देखो है, इनको अगर बोल दिया डॉक्टर, ये इसका अंतिम श्वास है, बोल दिया परिवार को अंतिम श्वास, अगर परिवार बोले देखो तुम्हें हम 10 कोहिनूर हीरे तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन उसको और 4 श्वास तो वापस ले आ, ला सकते हैं डॉक्टर, अरब खरब रुपया भी वो श्वास को वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए मानव शरीर का जो एक एक जो श्वास है वो अनमोल है। एक श्वास जो चला गया, करोड़ रुपया में श्वास को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। फिर ये समय की सार्थकता किसी में है? बोले ये समय का सार्थकता तभी जब हमारी श्वास श्वास से भगवान के नाम निकले, ठाकुर जी की नाम जब निकले। अगर पति अगर आए, उनको पता चलेगा भैया ये मानव शरीर तो ठाकुर और देंगे नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद मिले, इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, साधन धाम मोक्ष करने वाला, ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं। 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। अगर पति को ये बात बता दे, फिर पति क्या करेगा? फिर उधर उधर गंदी चीजों में मन नहीं लगेगा, सवेरे उठ करके गीता भागवत रामायण पढ़ेगी, फिर माला लेकर के तो प्रभु का भजन करना शुरू कर दे। फिर पत्नी क्या होगा? अगर पत्नी अगर कथा में नहीं आए, बोले क्या बात है, काम धाम करना नहीं पड़ेगा, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, संसार कैसे चलेगा? काम धाम नहीं, कोई काम धाम नहीं है, दिन भर माला लेकर बैठे फिर काम चलेगा? पर पत्नी भी उसको भजन करने नहीं देगी। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ, तो फिर दोनों को पता चलेगा भैया ये जीवन पाकर भजन करने चाहिए। फिर दोनों क्या करेंगे? बोले देखो भागवत कथा हो रही है, जल्दी जल्दी घर का काम को निपटाओ करके टाइम से पहले चलो दोनों कथा सुनने के लिए जाएंगे। फिर दोनों दोनों को मदद करोगे, फिर दोनों भक्ति करोगे, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर जब शंकर जी आते हैं पार्वती को लेकर के, जब ब्रह्मा आते हैं ब्रह्मानी को लेकर के, जब देवता आते हैं अपना देवियों को लेकर के आते हैं, ठीक है ना? फिर क्या करते हैं? कल सबके सब अपना देवताओं को लेकर के आ रहा है, ठीक है? अपना देवता को, देवी आए तो देवता, देवता आए तो देवियों को लेकर के आ रहा है।
अरे दोनों का गाड़ी बढ़िया चलेगी, ठीक है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, कोई जयकार नहीं निकल रहा है, बढ़िया प्रसाद बनाया है, है? जितने बढ़िया भूख लगेगा ना प्रसाद में उतना ही आनंद आएगा। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। देखो एक चीज को समझो, ये भागवत कथा हम लोग जो कथा सुनने के लिए जो आए हो, आप कितने सौभाग्यवान, ये चीज को समझो। ये सुखदेव गोस्वामी परिचित को ये बात कह रहे हैं, कहते ये स्वर्ग में देवता को भी ये कथा सुनने को नहीं मिली, इसलिए इसे मरते जगत में आए। फिर ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए इच्छा हो तो वो ब्रह्मा लोग छोड़ करके आते हैं, अगर शंकर जी को कथा सुनने के लिए इच्छा हो तो ये कैलाश छोड़ करके आते हैं, अगर गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए इच्छा हो तो वैकुंठ छोड़ करके आते हैं। आप लोग अभी हनुमान जी की बात सुन रहे थे ना, जिस समय भगवान राम अभी उनकी अंतर ध्यान लीला प्रकाश करना चाहते हैं, भगवान राम ये संसार छोड़ करके अपना वैकुंठ में जाना चाह रहे हैं। अभी पूरा अयोध्या वासी तैयारी बैठे प्रभु के साथ में, हम भी चलेंगे, लेकिन देखा सबके सब तो वहां पर, लेकिन एक व्यक्ति वहां नहीं मिला, जानते हो कौन नहीं मिला? कहते श्री हनुमान जी नहीं। भगवान राम ने देखा, कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, प्रभु राम का नाम को जप कर रहे थे, इतने में प्रभु ध्यान देकर सुने थे, इसलिए कथा की कितना सौभाग्यवान है जो सुनते हैं। इतने में राम ने कहा हनुमान जी सारा दुनिया बैठे जाने के लिए वैकुंठ में, तुम वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जी क्या ये वैकुंठ में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी? क्या वैकुंठ में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी? राम ने कहा जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, पर ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु जहाँ पर आप हो सकता है तुम्हारी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी कथा हो वहां पर आप 100% आप वहीं पर मिलोगे जहाँ पर तुम्हारी कथा है। तब भगवान राम ने पूछा हनुमान जी फिर तुम कब आओगे वैकुंठ में? बोले प्रभु तब तक, देखो हनुमान जी क्या बोले, तब तक ये वैकुंठ नहीं आऊंगा जब तक इसी मरते जगत में तुम्हारी कथा होती है। इसलिए जितना जगह पर कथा होना, हनुमान जी उतना रूप को धारण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और कथा को सुनते हैं। बोले तब तक रहूंगा जब तक तुम्हारी कथा रहेगी, जब देखूंगा तुम्हारी कथा यहाँ पर नहीं है एक सेकंड के लिए भी इसी मध्य जगत में नहीं रहूंगा, फिर तुम्हें वैकुंठ में आपके पास में मैं चला आऊंगा। इसलिए देखो देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक, शंकर जी को कथा सुनने के लिए शिवलोक, और श्री गरुड़ जी को हनुमान जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ लोक। आप देखो मोहन नगर के भक्तों का सौभाग्य देखो, कहते मोहन नगर के भक्त लोगों को कथा सुनने के लिए घर छोड़ना पड़ा था। आपने घर छोड़े हो? नहीं छोड़े। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते हमारी घर के सामने आ गई,
हम घर में बैठी बैठी करके कथा भी गंगा में हमने गोता लगा दिया, मतलब है हम लोग बड़ी सौभाग्यवान हैं जो कथा सुनने के लिए आए हो, बड़े सौभाग्यवान। कभी ये कथा कौन किसको पहले सुनाई, मैंने हर साल सुनाता हूँ, ये शंकर जी माता पार्वती को ये अमरनाथ में ये कथा सुनाई। अमरनाथ कोई गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए, हाथ लगा कौन गए, एक पिताजी पीछे गए हैं, अब बताओ कौन कौन जाना चाहते हो, बताओ, आपको सबको ले जाएंगे ना, आप तो सबको हम ले चलेंगे अमरनाथ, ठीक है। इसलिए तो स्थान का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा, यदि ये शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा वहीं पर सुनाई थी, इसलिए उस स्थान का नाम अमर कथा है। वो कथा ऐसे आती है, एक दिन श्री नारद जी जाते हैं कैलाश में, शंकर जी गए हुए थे सत्संग करने के लिए, इतने में नारद जी आए और पार्वती को बोले, बोले माता जी कहते आपकी बार में सोच करके ना हमें बड़ा तकलीफ होता है। इतने में मैया पार्वती बोले, भैया किस चीज का हमारे बार में क्या क्या सुनकर तकलीफ होता है, कहते भैया बात को छोड़ो, बोल कर क्या लाभ, कोई लाभ नहीं, लेकिन बहुत कष्ट होता है तुम्हारी बात में सोच करके। हाँ देखो, अगर माताओं को कोई आधी बात बोल देना पति, नहीं छोड़ो बात बोल कर क्या होगा, देखना फिर तो टेंशन हो जाती है, है तो फोर गोबर फोर, आप तो कुछ लगते नहीं, जब तक आपकी उनको बात नहीं सुन लेना तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। इतने में नारद जी बोल दिए, बोल कर क्या होगा, हैं, फिर तो माता पार्वती पीछे पड़ेगी, बोले बताओ ना क्या बात है, बोले जानते हो शंकर जी और एक शादी कर रखे, शंकर जी की और बेटी पत्नी, इतना सुन करके हैं पार्वती को टेंशन में आए, अगर किसी को किसी पत्नी को बोल दो तुम्हारी पति और किसको साथ में शादी करके रखे, आपको बताओ कि क्या लगेगा, बताओ। पत्नियां हर चीज को सहन कर लेगी, लेकिन अगर उनको पता चले मेरे जो पति और किसको साथ में शादी करके रखे, लेकिन ये बात को हमारे पास में गोपनीय रखना, ये बात कभी सहन नहीं होती। बोले तुम आप क्या बता रहे हो, बोले हम सही बता रहा हूँ, बोले आपको कैसे पता चला, आपको पता कैसे चला, बोले देखो शंकर जी के गले में मुंडकी माला देखे हो, बोले हाँ, बोले जो मुंडकी माला कभी त्याग नहीं देते, पता है मुंडकी माला किसकी, वो जो पहले शादी करके रखे ना उनकी सब गए, देखो जब आज शंकर जी घर में आए ना पूछ लेना, भैया मैं तो जा रहा हूँ, कैसे पूछना, नहीं तीन बार कसम खिला करके पूछना, नहीं तो बोलेंगे नहीं, बस नारद झगड़ा लगा, झगड़ा लगा करके नारद चली गई। इतने में जब शंकर जी आए, इतने में तो मैया पार्वती मान करके मान भवन में लेके गई, शंकर जी जब शरीर के ऊपर हाथ रखे, हाथ को फेंक दिए, बोले भैया बात क्या, बताओ तो मान क्यों किए हो, बताओ तो, बोले तीन बार कसम खा फिर भी पूछो, शंकर जी तीन बार कसम खाए, बोले मैंने सुना है आपकी और भी कोई शादी करके रखे हो, आपकी कोई दूसरी भी पत्नी है, बोले भैया दूसरी पत्नी कहा, बोले बताओ तुम्हारी गले में मुंड की माला किसकी है, ये मुंड की माला किसकी है, बोले ये तुम्हारी है, मैंने और किसको शादी नहीं करके रखे, तुम ही बारंबार ये शरीर को, जब जब तुम ये शरीर को त्याग देती हो तब तक मैंने तुम्हारी सर को मैंने माला रूप में धारण कर लिया। मैया पार्वती बोली, पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी तो पता चला आप सबसे बड़े कपटी निकले हो, बोले भैया क्यों, बोले आपने ऐसे कौन सा अमर घोटी को आपने पान करके रखे हो, आप मर ही नहीं रहे हो, मैं मरती हुई जा रही हूँ, ऐसे कौन सा अमर घोटी को पान किए। देखो शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर घोटी को मैंने पान की तब से मैं अमर बन गई, बोले मुझे भी सुना दो, बोले जहां तहां नहीं चलो तेरे को हम अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। तब शंकर जी पार्वती को अमरनाथ लेकर गए, अभी वो स्थान है जहां पर शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए थे, बोले देखो पार्वती ध्यान देकर कथा सुनना और हंकार भरते रहना, मेरे को पता चल जैसे कथा सुन रहे हो,
मैं आंख बंद करके मैं कथा सुनाऊंगा। इतने में शंकर जी एकदम भाव विभोर होकर के आंख बंद करके कथा सुना रहे थे और उन्होंने पहले जयकार लगाए, बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय जय श्री राम। इतने में कथा सुनाते जा रहे, कथा सुनाते जा रहे, मैया पार्वती हुंकार करते जा रहे थे, हुंकार करते जा रहे थे करते करते, लेकिन जब मुक्ति की बात उन्हें बताने के लिए गए, इतने में मैया पार्वती तो सो गई। अभी भगवत इच्छा से उसी वृक्ष को ऊपर में कोई कहते कोई अड्डा था, कथा सुनते सुनते अड्डा फट गई और वहां से ये तोता निकला है, हैं? अभी तोता निकला तो वो भी कथा सुनना शुरू कर दिया। जब मैया पार्वती सो गई, तोता ने देखा मैया तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, अभी शंकर जी भी कथा को बंद कर देंगे। वो तोता भी हुंकार भरने लग गया, बोले उसको बाद में क्या हुआ, उसको बाद में, शंकर जी तो भोले बाबा सुनाते सुनाते ही जा रहे थे। जब फिर उन्होंने कथा को विश्राम की, शंकर जी फिर उन्होंने जयकार की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हम लोग बीच बीच में क्यों जयकार करते हैं, देखो कथा सुनते सुनते मैया पार्वती तक भी सो गए। अब देखना कोई दूसरी चीज की बात हो ना, हमारी नींद नहीं आई है, लेकिन अगर प्रभु की कथा हो ना वो तो नींद आएगी, ये नींद आएगी, क्योंकि हमारे प्रभु जी कहते हैं जिस समय भगवान राम ने उन्होंने जिस समय उन्होंने कुंभकर्ण को वध किया, अभी उनकी पत्नी का नाम का नाम थी निद्रा देवी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम थी निद्रा देवी। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को वध कर दिया, उनको पत्नी निद्रा देवी ने कहा बोले आपका वैकुंठ में अगर मैं ताला नहीं लगा देती हूँ, मेरा नाम निद्रा देवी नहीं, बोले तेरे वैकुंठ में ताला लगा दूंगा, किसको वैकुंठ जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों, बोले जब कहीं भागवत कथा हो ना, कथा हो, जब कहीं कथा होगी मैं जाकर के सब जो कथा सुनते हैं उनके सर के ऊपर बैठ जाऊँ, बोले सो जाएंगे, सो जाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा तो भजन करेगा नहीं, करेगा नहीं तो वैकुंठ कहीं जाएगा, पूरा वैकुंठ में ताला लगा दूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं मत करो, जब बीच बीच में कथा हुई ना तो बीच बीच में मैं फिर जयकार देते दिला रहे, हाँ जयकार देते रहेंगे, फिर ताली बजाते रहेंगे, फिर तो निद्रा आएगी। इसलिए हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, जयकार देते हैं, बीच बीच में ताली बजा देते हैं, जैसे जिसको नींद यहाँ पर नहीं आ जाए। इतने में मैया पार्वती की नींद भूल गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले तो कथा तो विश्राम हो गया, बोले मैं बीच में सो गई थी, बोले तू हुंकार भर रही थी पीछे आएगी, तू तो हुंकार भर रही थी, बोले नहीं मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये कथा अमर कथा है, जो ये कथा को सुनेगा वो अमर तत्व की प्राप्ति करेगी। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर ये कथा सुन लिए, आप लोग गीता पढ़ेंगे, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये गीता की ज्ञान प्रदान की, बोले अर्जुन न अभक्ताय कदाचन, ये ज्ञान अभक्त को नहीं सुनाना, मना करते थे दुष्टों को ये कथा नहीं सुनाना, क्योंकि दुष्टों को ना ये कथा अच्छी नहीं लगी, है पापियों को कथा में रुचि नहीं लगी, उनको तो उल्टा सीधा सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा बात पर बड़े आनंद होकर बैठे थे, लेकिन कथा में तो उनको दस मिनट की बैठनी भी उनके लिए बड़ा कठिन। इतने में माता पार्वती हैं, शंकर जी ने देखा सुनी कथा किसने, जो तो अमर बन जाएगा। शंकर जी देखते देखते वो तोते को देखे, शंकर जी उसको पीछा किया मारने के लिए, वो उड़ते जाए पीछा नहीं छोड़ रहे थे, करते करते जब बद्रीनाथ में पहुंचे वहां पर से व्यास थे अपना पत्नी को भी यही कथा सुना रहे थे। इतने में उनकी पत्नी हैं वो भी जम्भाई ले रही थी और वो तोता ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास देव जी ने कहा शंकर जी भागते भागते कहाँ से आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया, बोले क्या अनर्थ हो गया, बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली, बोले अमर कथा सुन ली तो आप पीछा क्यों कर रहे हो, बोले मारने के लिए, बोले सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं बता रहे हो कथा अमर कथा,
जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। बोले वो तोता ने कथा सुनी कि नहीं? बोले सुन ली। फिर आप पीछा कैसे कर रहे हो मारने के लिए? बोले ये तो बात सही है, अभी तक तो मेरे ध्यान में ये सब बात नहीं थी। फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, ये कभी भी कथा नहीं सुन सकता है, कद वही कथा सुन सकते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम। बोले एक जन्म नहीं, बोले बहु जन्म समर्जित ना, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होगा तभी कोई कथा में बैठ सकता है, सभी कथा में नहीं बैठ सकते। फिर ये तोता कौन है? शंकर जी ध्यान लगाया, अपना ध्यान से देखा ये तोता कोई साधारण नहीं। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, जैसे श्री हनुमत लाल को रखकर गए, अगर तू चला जाओगे तो भक्ति कौन प्रचार करेगा, जब जा रहे थे कि जो तोता है ये भगवान की राधा रानी का खबर कृष्ण को, कृष्ण का मैसेज राधा रानी को देती थी, सारे कृष्ण लीला के उसने दर्शन किए, ये तोता कोई साधारण नहीं। ये तोता भी तैयारी हुआ जाने के लिए। कृष्ण ने कहा तोता अगर तुम चले जाओगे फिर मेरे भक्ति जगत में प्रचार कैसे होएगी, इसलिए इस जगत में रहो और मेरी भक्ति को प्रचार करो। वही तोता ही व्यास देवज की पत्नी के गर्भ में प्रवेश की और वही तोता श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेकर के जगत में ये भागवत धर्म को प्रचार करेंगे। शंकर जी अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन करके लिए उनको प्रणाम करके शंकर जी चले गए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। देखो ध्यान देखने सुनो, ये कथा को अमर कथा बताए, ये शंकर जी स्वयं कह रहे हैं ये बात। बोले पार्वती तब तक मैं ये शरीर भी मैंने छोड़ते रहा जब तक मैंने ये कथा नहीं सुनाई। पार्वती भी पहले सती रूप में शरीर त्याग दी। बोले एक जन्म नहीं, उसने बहुत जन्म तक शरीर त्याग दी। बोले कब तक ये शरीर को त्याग दी? बोले जब तक ये माता पार्वती कथा नहीं सुनी, जब से उन्होंने ये कथा सुनी तब से पर ये शरीर को उन्होंने त्याग नहीं दी। स्वयं जो जगदम्बा जगत जननी, जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, वो स्वयं कहते हैं यही कथा सुन करके अमरत्व को प्राप्त होगा। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना, हम भी एक दिन अमरत्व को प्राप्त करेंगे, एक दिन हम भी अमर बन जाएंगे। लेकिन हम लोग बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, क्या जानते हो? अभी का जो लड़का लड़की ना, वो कहते हैं हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, बॉलीवुड में हम हीरो हीरोइन बने। लेकिन देखो जितने हीरो हीरोइन थे, एक श्रीदेवी थी, नाम सुने हो श्रीदेवी? वो बात रूम में पता नहीं पी करे वही पर खत्म हो गई है। इसलिए कोई तो फिर है किसने सुइसाइड, अक्सर करके आप हीरोइन का नाम सुनोगे ना, जितने बड़े बड़े डायना फाइना लास्ट में इतने टेंशन में आए, डिप्रेशन में लास्ट में सब सुइसाइड करने पड़े। बड़े बड़े हीरोइन का अगर नाम सुनोगे तो हैं सुइसाइड करके मरे, और इनका नाम कब तक है? कुछ दिन तक चलती है, 8-10 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया में कोई उसका नाम ले रहा है कोई? लेकिन हीरो बनना ना, हीरोइन बनना तो मीरा जैसे हीरोइन बनो, गोपिया जैसे हीरोइन बनो, हीरो बनो तो हनुमान जैसे हीरो बनो। अगर एक भक्त अगर प्रभु का भक्त रूप में हीरो हीरोइन बन जाओगे ना, बताओ हनुमान जी कब आए? त्रेता युग में करोड़ों साल पहले आए, ध्रुव प्रहलाद सत्य युग में आए, अभी भी इनका नाम जगत में पूजा, अभी भी जगत में इनकी नाम हो रही है। लेकिन ये जगत का जितने हीरो हीरोइन, 2 दिन बाद उनका सारे नाम निशान मिल जाते हैं। हीरो बनना तो भगवान की भक्त बन करके हीरो बनो, शंकर जी को नाम देखो, पार्वती को देखो, कितने बड़े बड़े यही सही हीरो हीरोइन जो दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है, ठीक है ना? इसलिए ये भागवत कथा नहीं, ये अमर कथा है, ये कथा सुन करके आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? इसलिए अभी कितना टाइम हो गया, देखो कितना टाइम हो गया, 8 बज गया। हाँ देखो आज तो हमने कब, अब कथा की मैंने महिमा बताई, ये कथा है क्या चीज, कथा हम क्यों सुने, इसलिए गोपियाँ कहती हैं और 2-4 की कथा सुनो, फिर कथा को विश्राम देने के भजन गाएंगे, फिर कल एकदम टाइम से आना और टाइम से कथा को हम विश्राम देंगे, ठीक है? देखो
ये कथा सुनने पर गोपियां कहती हैं हमें 8 लाख मिलेगा। कितना लाख मिलेगा जोर से बोलो। आज मैं सुनाऊंगा फिर कल से आपका सुनूंगा, मैं देखूंगा किसको किसको याद रहा है। ये गोपियां खुद कह रही है, राधा रानी खुद कहती है, हैं हम कहते हैं ना अरे कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा। हम कलयुग का जी है ना स्वार्थ, जब तक कोई लाभ नहीं हो ना उस काम को हम करते नहीं है। इसलिए राधा रानी कहती है आ कथा सुनने को तो आपको 8 फल मिलेगा। बोलो 8 फल क्या है। बोले तब कथा प्रीताम कातरी बना से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई तन से दुखी,
दुखी दुखी है कि नहीं बताओ? संसार में हम सबके सब दुखी है, सबके सब, कोई नहीं बता सकता है हम संसार में कोई सुखी, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जिसी ने दुनिया बनाया वो खुद कहता है ये संसार नहीं, ये दुख का घर है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है ये तुम्हारी सारे दुख खत्म हो जाएगा जब तुम ये कथा सुनोगे। भगवान स्वयं कहते राधा रानी, जैसे देखो हम दुखी है लेकिन यहाँ पर कितना समय से बैठे हो? एक घंटा से बैठे हो, एक घंटा से बैठे हो। आप बताओ आपका मन में अभी कोई दुख याद आ रही है? बता रहा हूँ संसार का कोई दुख याद आ रही है क्या? बता आ रही है? नहीं। लेकिन तब तक कोई दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता जब तक ये कथा सुनाऊंगा। लेकिन केवल ये कथा से बाहर निकलो, ये गेट से केवल बाहर निकल जाओ। अरे घर में जहाँ पर जाने पर यह होगा, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में बेटा बात नहीं सुनता, बेटी कहीं जा रही है, पति बात ये उसके साथ में झगड़ा, केवल ये गेट से बाहर से निकलने पर सारे पाप एकदम दुख पहाड़ जैसे सर उठाते हैं। लेकिन जब तक कथा में बैठोगे ना, ये कोई दुख का असर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। इतने लाभ ये कथा, ठीक है ना? इसलिए जिस कथा को धुंधुका जैसे पापी गया में पिंड देने पर भी जिसको मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मुक्ति कैसे मिली? ये भागवत कथा सुनो। मतलब अगर ये कथा सुनोगे जिस धुंधुकारी के लिए जब गोकर ने कहा था तो पिंड किया उधर नहीं, बोले 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना बड़ा पापी। लेकिन केवल कथा से ही उनको मुक्ति है क्या? मेरा तो बूढ़े हो गए थे वृंदावन में, लेकिन जवानी कैसे बनी? केवल ये कथा सुन करके जब श्री गो जब चतुसन ने कथा सुनाए ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए, वो भी कृष्ण कीर्तन में नाच उठे हैं। इसलिए भागवत कथा की बड़ी महिमा है। फिर कल से हम एकदम नियम से कथा सुनेंगे, ठीक है? कितने आप माताएं बताओ, आप लोग कितने से कितने बजे तक कथा होने पर आप आकर के सुन सकते हो? जो घर का खाना तो यही घर मिलेगा चिंता है, बताओ कितने बजे तक? आप जितने बजे तक बोलोगे ना उतने बजे में कथा को विश्राम देते हैं। बताओ पापा है, बताओ कोई बोल नहीं, बोलो कितने से कितने बजे तक कथा सुने सबके सब? बात करो आपके साथ अभी प्रभु जी कितने बजे से? जोर से बोलो कितने से? चार से, ठीक है, 4 से 7 तक कथा करेंगे। लेकिन आप लोग कैसे नहीं 4 बजकर 6 बजे आओ, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अरे वृंदावन धाम पार रखे राधे 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 राधे
फसल में जो नहीं फंसेंगे, महाराज जी कहते हैं कि आपके जन्म में पेड़ बनना पड़ेगा, पेड़ की तरह खड़े रहेंगे। और इस जन्म में जो पानी नहीं हो जाएगा, अगले जन्म में घर घर में पानी हो जाएगा। इसलिए सब लोग पानी हो जाकर सभी लोग बैठे थे, ठीक है। I'm
आज आ गए रोज रोज कथा सुनने के लिए।
दोनों आदमी पकड़ खड़े जाएंगे इधर इधर देखो आप लोग ये मत समझो हम तो भंडारा तो नहीं देख पाए नहीं, नहीं, नहीं। जो इसमें एक अन्न का दाना जो दे देता है भागवत में एक अन्न का दाना जो दे देता है कृष्ण स्वयं बताए किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा आत्मजी माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहते हैं ये मत समझो जो आए और जो भागवत कथा सुने और जो केवल प्रसाद केवल पाए भगवान का केवल प्रसाद पाए इससे ही जीव का कल्याण हो जाता है जो केवल भगवान का प्रसाद पाते हैं जो कथा सुनते हैं इसलिए कोई तन से करता है कोई मन से कोई धन से ये मत समझो हमने कुछ देखा नहीं जो कथा सुन रहे हो अभी बड़े भाग्य से भी कथा सुन रहे इसलिए कल इसका कथा हम सुनाएंगे जो केवल कथा में आए कथा सुने और ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं वो भी बड़े भाग्यशाली बने आरती करो गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाओ मां के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ जय को Thank you.
Thank you.
हरी नाम की और किसको किसको लेकर के आए ना मेरे को दिखाना महाराज जी इनको हम लेकर के आए हैं। हरे कृष्णा। एक और अनाउंसमेंट है कि ये प्रसाद की व्यवस्था है ना बहुत सुंदर और सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए दो लाइनें बना दी गई हैं, एक माता लोगों के लिए एक भाई लोगों के लिए। तो एक लाइन में जहाँ माता जी चलेंगे वहाँ पुरुष भाई ना जाए।